दोस्तों कैसे हैं आप लोग। फाइनली जंतर मंतर ब्लॉग्स के बाद हम आए हैं जमाली कमाली मॉस्क्यू देखने। दोस्तों वैसे मैंने यूट्यूब या फिर बहुत सारे लोगों से सुना भी है कि ये थोड़ा डरावना जगह है, और जैसे ही मैंने एंट्री किया यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे आसपास कोई है भी नहीं। अब मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो कितनी शांति है यहाँ पे। एक दो लोग थे जो बाइक से अभी गए हैं, मुझे नहीं पता कि कहाँ गए हैं, लेकिन ये रास्ता है जो जमाली कमाली जाने वाला, इसी रास्ते से गए हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं, देखते हैं। डर तो थोड़ा लग रहा है क्योंकि पहली बार ऐसे ऐसे जगहों पे आ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं, मिलते हैं गेट पे और देखते हैं यहाँ का पैलेस। खूबसूरत तो होगा ही, खूबसूरत के साथ थोड़ा डरावना भी होगा। तो आइए मिलते हैं गेट पे। में एक ऐसी जगह की तलाश में है जहाँ पे जाके आपकी मन को शांति मिले, तो वो ये है जमाली कमाली मॉस्क्यू। दोस्तों ये जगह ना बहुत ज़्यादा शांत है, मैंने देखा है यहाँ पे बहुत कम लोग आया करते हैं, और बाकी यहाँ का आपका आने का फ्री है, मतलब यहाँ पे कोई टिकट वगैरह नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट आप विजिट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जैसा मैंने देखा था और सुना भी था कि ये हंटर प्लेस है, यहाँ पे जिन वगैरह रात में घूमते हैं, ऐसा कुछ मुझे अभी तक दिखा नहीं है, हो सकता है ऐसा बा हो। हाँ लेकिन ये थोड़ा सा एक यहाँ पे आने के बाद एक निगेटिव वाइब्स आती है जो कि थोड़ा सा फील होता है। वो इसलिए भी होता होगा क्योंकि ये एक शांत जगह है, यहाँ पे कम लोग आते जाते हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। बाकी खैर चलते हैं और जगह देखते हैं। हे दोस्तों फाइनली जितने भी सारे जगह थे जमाली कमाली के सारे हमने विजिट कर लिए, सारे देख लिए। भूख लगा तो थोड़ा सा लंच लेके आया था, वो भी खा लिए। तो चलिए थोड़ा सा इसका इतिहास के बारे में जान लेते हैं। जमाली कमाली मॉस्क्यू यानी कि जमाली कमाली, और ये जमाली कमाली था कौन? दोस्तों जहाँ तक मुझे पता है जमाली एक प्रसिद्ध कवि थे जिनके कविता बहुत ही फेमस हुआ करता था। ये मुग़ल वंश के जो शासक है जैसे शाहजहाँ हो गए, और उनके पीछे वाले जो पूर्वज हैं ये सारे लोग उनके बहुत ही बड़े फ़ैन थे। उनका जो कविता था उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था, इसलिए वो उनको अपने दरबार में ही रखते थे। और कमाली कमाली दोस्तों मैंने बहुत सारे कहानी सुने हैं, और हर एक कहानी में ये जो कमाली का कैरेक्टर अलग अलग दिया जा रहा है। कोई कह रहे हैं कि कमाली है
वो जमाली का मतलब बेगम है यानी कि बीवी है, कोई कह रहे हैं कि उनकी नौकर है, कोई कह रहे हैं कि उनके भाई है, अभी तक किसी भी कहानी में ये प्रूफ नहीं हो पाया कि कमाली आखिर था कौन। तो यहाँ पे आने से पहले ही मैंने बहुत सारी यहाँ की कहानी सुन रखी है, जैसे कि लोग बता रहे थे कि ये हंटर पैलेस है, यहाँ पे जिन रहते हैं। दोस्तों मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा है, लेकिन हाँ यहाँ पे आने के बाद आपको एक शांत सा माहौल मिलता है, और हो सकता है ये माइंड में बैठा हुआ इसलिए हो रहा हो, लेकिन अब जैसे चलते हैं रास्ते पे तो आपको ऐसा लगता है कि बार बार पता नहीं क्यों बार बार पीछे देखने का मन करता है ऐसे, और ख़ुद को रोक भी नहीं पाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जब भी मैं चलता हूँ अकेला हूँ पूरा जंगल शांत, और आप देख रहे हैं ये जो पेड़ है एक पत्ता तक नहीं हिल रहा, पता नहीं क्यों। यहाँ पे एक चिड़िया आपको नहीं दिखा, बहुत कम ऐसे पंछी है जो यहाँ पे है, मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखा गिलहरी के अलावा। और ये ना कहीं एकदम सन्नाट जैसा एकदम पैलेस है, हो सकता है ऐसा हो भी सकता है कि यहाँ पे जिन आते हो रात को आते हो, या फिर नहीं भी हो सकता है, ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन एक है दो की निगेटिव वाइब्स आती है यहाँ से जो कि मैंने फील किया है। बाकी यहाँ पे सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, दिल्ली के जितने भी सारे मैंने देखा, कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई पिकनिक मना रहे हैं, और एक तरफ पार्क जैसा है, बस इसको एक तरह से डिज़ाइन कर रखा है। ये जिस जगह पे हम हैं वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे शांत है, अब देख सकते हैं यहाँ से कुछ चढ़ने वाला है, बहुत ही देखने में कैमरा में पता नहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं आपको, बट मुझे देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा है। और भी बहुत सारे हंटर पैलेस है जो कि देखने लायक है, हम कोशिश करेंगे उस जगह को भी कवर करने का। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो को करते यही एंड। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना तो ना ही भूलिए, और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।